Hello friends, welcome to Learning Upfront Investing. दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एप्पल्स इन वन बास्केट। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत स्टॉक मार्केट में बिल्कुल सही साबित होती है। दोस्तों आपको अपना सारा अमाउंट किसी चुनिंदा स्टॉक्स या सेक्टर में न इन्वेस्ट करते हुए अक्रॉस द सेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी अच्छा बैलेंस बना के रखना चाहिए। दोस्तों लार्ज कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और गिरावट में गिरने से बचाते हैं। वहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं लेकिन इनमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है और डाउनसाइड रिस्क भी काफी हाई रहता है। दोस्तों आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और दोस्तों मिड कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ और स्टेबिलिटी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। दोस्तों एलोकेशन की बात करें तो आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में स्मॉल साइज इन्वेस्टमेंट, मिड कैप स्टॉक्स में मीडियम साइज इन्वेस्टमेंट और लार्ज कैप स्टॉक्स में मेजॉरिटी साइज इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए अलग अलग सेक्टर से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स चुन के लेके आते हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर सको। दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स लेके आए हैं जिनमें प्रमोटर्स FIIs DIIs लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये स्टॉक्स छुपे रुस्तम हैं और अभी इनके मार्केट कैपिटल की बात करें तो मात्र 5000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। तो फ्रेंड्स इनमें सिर्फ हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट करें और फ्रेंड्स आप अपने पोर्टफोलियो का बहुत थोड़ा सा अमाउंट इनमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक्स हैं और इनमें अपसाइड और डाउनसाइड रिस्क काफी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इन दोनों स्टॉक्स के बारे में। फ्रेंड्स मार्केट कैपिटल की बात करें तो 5132 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस की बात करें तो 129 का करंट प्राइस है और ऑल टाइम हाई की बात करें तो 136 रुपीज का इसका ऑल टाइम हाई है। स्टॉक पीई 36 पे है फ्रेंड्स और ROCE और ROE फ्रेंड्स कैपिटल मार्केट कैपिटल के हिसाब से ROCE 26 और ROE 22 आई थिंक इट्स एक्सीलेंट। फ्रेंड्स प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 50% की प्रमोटर होल्डिंग है और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में 5.86% और रिटर्न तो फ्रेंड्स सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर्स 5.86% रिटर्न ओवर 5 ईयर्स 19.7% और सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 3 इयर्स ये नेगेटिव में है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस डाटा को टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 10 इयर्स फ्रेंड 4%, इन लास्ट 5 इयर्स 6% एंड लास्ट 3 इयर्स -7%। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 इयर्स में 12%, 5 इयर्स में 6% एंड 3 इयर्स में 1% ओनली। फ्रेंड्स स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 इयर्स में 27%, लास्ट 5 इयर्स में 20%, लास्ट 3 इयर्स में 40% एंड लास्ट 1 ईयर में 46%। तो फ्रेंड्स मार्केट की गिरावट के बावजूद इसने लास्ट 1 ईयर में 46% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं और फ्रेंड्स इसकी प्लस पॉइंट है इसका ROE 10 इयर्स में 21%, लास्ट 5 इयर्स में 21%, लास्ट 3 इयर्स में 16 एंड लास्ट ईयर में 22%। तो कंसिस्टेंटली काफी अच्छा ROE ये बना के चल रही है। तो फ्रेंड्स इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 50% की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है और फ्रेंड्स अगर बात करें FIIs की तो FIIs ने अभी लास्ट क्वार्टर में अपनी स्टेक को इसमें बढ़ाया है और 5.55% से बढ़ा के 6.63% तक कर दिया है तो मोर देन 1% ऑफ इंक्रीज इन FIIs होल्डिंग। फ्रेंड्स अगर DIIs की बात करें तो DIIs ने भी इसने लगातार अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं दिसंबर 2019 के बाद DIIs इसमें लगातार अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं 5.21% यहाँ 5.41, 5.30
और बढ़ाते बढ़ाते अगर अब बात करें तो ऑलमोस्ट 14% के आसपास DIIs की होल्डिंग पहुंच चुकी है। और फ्रेंड्स, जो वीक हैंड्स हैं यानी कि पब्लिक, इसमें अपनी होल्डिंग्स घटाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं स्टॉक का नाम क्या है। फ्रेंड्स, स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फ्रेंड्स, जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये कंपनी टेपर्ड लीफ, पैराबोलिक स्प्रिंग और लाइफ एक्सेल्स में मैन्युफैक्चरिंग लीडर है। और पोर्टफोलियो की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे भी इसके प्रोडक्ट्स मेंशन हैं, लीफ स्प्रिंग्स, पैराबोलिक स्प्रिंग्स, लाइफ एक्सेल एयर सस्पेंशन, ट्रेलर सस्पेंशन, स्टेबलाइजिंग बार, जेड स्प्रिंग्स। तो फ्रेंड्स, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदना या बेचना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की ओर। और ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटल 5,198 करोड़ है। फ्रेंड्स, करंट प्राइस की बात करें तो 2,460 का इसका करंट प्राइस है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2,778 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है। स्टॉक PE 32 का है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ROCE और ROE की बात करें तो 2 digits में मेंटेन है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। और प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 59.5% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स हैं। फ्रेंड्स, बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, लास्ट 5 years में 15%, लास्ट 3 years में 7% एंड लास्ट ईयर में 42% की सेल्स ग्रोथ इसने क्लॉक की है। और फ्रेंड्स, बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, लास्ट 5 years में 15%, लास्ट 3 years में 19% एंड लास्ट ईयर में 67% की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ। फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट 5 to 10 years में 21% का कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है, और लास्ट 3 years में 16%, लास्ट ईयर में 22%। फ्रेंड्स, स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो लास्ट 10 years में 27%, लास्ट 5 years में 20%, लास्ट 3 years में 40% एंड लास्ट 1 year में 46%। और फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं इसकी FIIs और DIIs की होल्डिंग। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में FIIs और DIIs ने दोनों ने इसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। फ्रेंड्स, FIIs की बात करें तो 3.55% से बढ़ा के उन्होंने अपने स्टेक को 3.91% कर दिया है। और DIIs की बात करें तो 14.82% से बढ़ा के 15.41% का स्टेक उन्होंने कर लिया है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक का नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। दोस्तों, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन स्टार्टेड इट्स जर्नी इन ईयर 1986। तो फ्रेंड्स, कंपनी के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और इसने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग साउथ इंडिया कोयम्बटूर सिटी से की थी। और फ्रेंड्स, कंपनी हैवी इंजीनियरिंग मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और फ्रेंड्स, कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कुछ मेंशन है। सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड्स, कैमशाफ्ट्स, ट्रांसमिशन हाउसिंग, बेयरिंग कैप, डिफरेंट। तो फ्रेंड्स, ये मेनली हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, लो प्रेशर डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग एटसेट्रा। एंड दीज प्रोडक्ट्स आर मेनली यूज इन पैसेंजर व्हीकल्स एंड कॉमर्शियल व्हीकल्स। और फ्रेंड्स, क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात करें तो टॉप 10 कस्टमर्स कंट्रीब्यूट टू 58% ऑफ रेवेन्यू। तो फ्रेंड्स, इसका क्लाइंट डेटाबेस भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो डोमेस्टिक 90% एंड इंटरनेशनल इसका 10%, यानी कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इसके इंडिया में ही हैं। और कैपेक्स की बात करें तो फ्रेंड्स, कंपनी कैपेक्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। और कंपनी ने हाल ही में 124 करोड़ का कैपेक्स किया। फ्रेंड्स, अगर आप एक मल्टीबैगर स्टॉक पे वीडियो देखना चाहते हैं जिसका पॉजिटिव बिजनेस हो और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो, तो फ्रेंड्स, आपकी वीडियो पे जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।